सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 14th अगस्त 2019 वेनसडे है. सुबह के 8:08 हो रहे हैं. आज वेनसडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है क्योंकि कल हॉलीडे आ रहा है. तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में काफी वोलेटाइल मूव देखने को मिल सकता है. कल जैसे कि हमने देखा काफी खराब शुरुआत रही इस वीक की. एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक वहां पर फॉर्म हुआ. लास्ट 4-5 दिनों से हम देख रहे थे कि निफ्टी में करीब 400 पॉइंट्स का एक उछाल आया था और कल एक ही दिन में 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली. तो अभी क्या ये फर्दर एक्सटेंड होगी टुवर्ड साउथ की तरफ, या फिर जो सपोर्ट लिया है, लास्ट सपोर्ट जो लिया है वहां पर फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखा सकता है. तो टेक्निकल लेवल्स क्या कहते हैं ये देखेंगे. लेकिन कल मार्केट आवर्स में जो इंडियन मार्केट के बिग बुल जिसे कहा जाता है, वो राकेश झुंझुनवाला जी का एक इंटरव्यू कल पब्लिश हुआ. उन्होंने भी इंडिया के जीडीपी ग्रोथ के बारे में थोड़ी शंका जताई और जो एनबीएफसी के हालात है उसके बारे में भी थोड़ी चिंता जताई. हालांकि वो लॉन्ग टर्म के लिए इंडियन मार्केट्स के ऊपर काफी बुलिश थे. तो ऐसे जो बड़े लोग होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका जो स्टेटमेंट आता है उसके ऊपर मार्केट भी काफी रिएक्ट करता है, उनके स्टेटमेंट के ऊपर काफी ध्यान रहता है. तो कल हमने देखा कि कैसे एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ. अभी भी जो गवर्नमेंट के तरफ से जो डिक्लेरेशन आना है एफपीआईस के बारे में या फिर एलटीसीजी के बारे में, वो अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है. और ट्रेड वॉर का जो टेंशन चल रहा है उसके मद्देनजर ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है. तो टेक्निकली आज इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकते हैं, टेक्निकली लॉन्ग टर्म व्यू हमारा क्या बन सकता है निफ्टी इंडेक्स के लिए, ये हम देखेंगे. उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू कर दे. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 13th अगस्त आफ्टर मार्केट आर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. कल के वीडियो का वीडियो लिंक यहाँ पर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा. तो कल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,172 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,093. तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद टुवर्ड साउथ की तरफ मूव होने लगा और हमारा फर्स्ट जो टारगेट था 11,063 ये यहाँ पर अचीव हुआ और यहाँ से कुछ रिकवरी दिखाई दी. हालांकि ये सस्टेन नहीं हो पाया ऊपर की तरफ और फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ मूव होते हुए इसने सेकेंड टारगेट 11,032 ये भी यहाँ पर अचीव किया. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 37,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार, यूएस मार्केट्स, नासडैक में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली, 152 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए और अभी एसजीएक्स निफ्टी हल्के से प्रेशर में ट्रेड कर रहा है. हालांकि बाकी के सब एशियाई मार्केट अभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी यहाँ पर 65 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी अभी इस वक्त फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है. पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बियर्स काफी हावी हो रहे हैं. तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. मंथली चार्ट से शुरू करेंगे एक बार. मंथली चार्ट आधा महीना बीत चुका है और ये है निफ्टी इंडेक्स का मंथली चार्ट. ये 20 एमए का ये जो पिंक लाइन है इसको इसने 2016 के फेब मंथ में, जनवरी फेब मंथ में इसको यहाँ से ब्रेक किया था और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ था. 2016 के बाद इसने 20 एमए को ब्रेक नहीं किया. ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस इसका सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है. तो अभी कल भी ये एग्जैक्ट फिर से 20 एमए के पास आके ये क्लोज हुआ है. 20 एमए अभी मंथली चार्ट में 10,923 के पास है और कल निफ्टी इंडेक्स का क्लोज 10,925 के पास है. तो अभी फिलहाल ये 20 एमए का सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है. ये मंथली चार्ट का ये डेटा हम देख रहे हैं. अगर मंथली चार्ट में अगर अभी भी आधा महीना बाकी है,
ये 20 EMA को ब्रेक करके इसके नीचे अगर क्लोज होता है मंथली चार्ट में, इस पिंक लाइन के नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ से और भी हमें फॉल दिखाई दे सकता है निफ्टी इंडेक्स में। ये हम टेक्निकल व्यू देख रहे हैं, फंडामेंटल क्या न्यूज आते हैं उसके ऊपर हम ये एनालिसिस नहीं कर रहे, ये टेक्निकल लेवल्स के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये 20 EMA का यहाँ पर स्ट्रांग सपोर्ट बना हुआ है, अगर मंथली चार्ट में इस लेवल के नीचे अगर क्लोज होता है तो यहाँ से और भी गिरावट हमें निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकती है। तो यह एक मंथली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं वीकली चार्ट में। यह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अभी ये इन मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है, मिड टर्म और शॉर्ट लॉन्ग टर्म। तो नीचे हमने देखा प्रीवियस वीक में यहाँ से ये बाउंस बैक दिखा रहा था, और जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, तो इसका ये जो 23.6% का लेवल इसने ऑलरेडी अचीव कर लिया। ऊपर जाते वक्त इसे फर्स्ट हर्डल तो ये 50 EMA का यानी 11,200 के पास ये आ रहा है, तो ये फर्स्ट हर्डल है, तो इसे पार करना होगा तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव दिखाई दे सकती है। अभी ये और टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव कर रहा है, कल पहले ही दिन, हफ्ते के पहले ही दिन 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, तो अभी ये फिर से यहाँ तक आ सकता है 10,780 तक, जहाँ पर ये 100 EMA है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें निफ्टी इंडेक्स में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। पास्ट में अगर देखें तो 100 EMA ये यहाँ पर इसने दो बार इसको टेस्ट किया था, ये यहाँ से ये फॉल आया, यहाँ से ये फॉल आया, फिर से ये ऊपर गया और फिर से इसने एक बार 100 EMA को टेस्ट किया और फिर यहाँ से अपसाइड मूव दिखाया। तो यहाँ पर हो सकता है ये फिर से एक बार ये बॉटम को टेस्ट करे एज अ सपोर्ट और फिर बाउंस बैक दिखाए। अगर ये बॉटम वाकई स्ट्रांग यहाँ पर सपोर्ट होगा तो यहाँ से ये सपोर्ट लेके फिर से बाउंस बैक दिखाए, या फिर ये अगर ब्रेक होता है तो और भी निफ्टी में हमें वीकनेस डाउन साइड मूव दिखाई दे सकता है। क्योंकि अभी तक RSI की अगर हम बात करें, ये जो RSI है सपोर्टिंग इंडिकेटर, ये अभी ओवर सोल्ड जोन की तरफ पहुंचा नहीं है, ये 38 के पास है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 30 के लेवल तक आता है और फिर बाउंस बैक दिखाता है, ये यहाँ पर 30 के लेवल के पास आता है और फिर बाउंस बैक दिखाता है, ये अभी तक 30 के लेवल तक पहुंचा नहीं है, ओवर सोल्ड जोन की तरफ पहुंचा नहीं है। तो चांसेस और भी ज्यादा है कि ये यहाँ से और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे पहले ये जो स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर बना है 10,770 के पास, ये इसे ब्रेक करना होगा तो ही हमें यहाँ से और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ऊपर जाते वक्त ये हर्डल्स है मूविंग एवरेजेस का, जो कि मिड टर्म मूविंग एवरेज है वीकली चार्ट में अराउंड 11,200, ये फर्स्ट मेजर हर्डल है, इसके ऊपर इसे सस्टेन करना होगा तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये सेकेंड टाइम है यहाँ पर, फर्स्ट टाइम इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से डाउन फॉल यहाँ से क्रिएट हुआ, फिर अभी ये फिर से एक बार 20 EMA को इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ इसने रिवर्स मूव दिखाया है। तो अभी यहाँ से ये बॉटम जो बनाई यहाँ पर हो सकता है ये सपोर्ट टेस्ट करे यहाँ पर ये ऐसे और फिर एक बार बाउंस बैक दिखाए, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है ये टूवर्ड्स और भी साउथ की तरफ ये मूव हो सकता है, क्योंकि जो सेटअप फिर बन जाएगा ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर बन सकते हैं सेटअप, और इसके नीचे फिर इंडेक्स अगर ट्रेड होता है तो ये टोटली डेली चार्ट में डाउन ट्रेंड का सेटअप बन जाएगा। हमें अपसाइड का सेटअप बनने के लिए 20, 50 और 100 शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज असेंडिंग ऑर्डर्स में चाहिए और उसके ऊपर यहाँ पर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखना चाहिए तो हमारा अपसाइड मूव का ये सेटअप बनेगा। अभी फिलहाल अगर पास्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम सिचुएशन है, ये यहाँ पर जैसे ही ये 20 EMA को ब्रेक करता है फिर जैसे ही ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये 20 EMA को एज ए रेजिस्टेंस पहला फेस करता है, दो बार फेस करता है, तीसरी बार जब फेस का रेजिस्टेंस एज ए फेस करता है तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि ये इसे ब्रेक करे। तो 20 EMA को जब तक ये कंफर्टेबली ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर कोई डिसीजिव मूव हमें दिखाई नहीं देती, तब तक यहाँ से अपसाइड मूव आने का हमें कन्फर्मेशन नहीं मिल सकता।
तो 20 EMA डेली चार्ट में फर्स्ट हर्डल है, वीकली चार्ट में हमने देखा कि 50 EMA को पार करना होगा और डेली चार्ट में 20 EMA को, 20 EMA भी ऑलरेडी अभी अराउंड 11,169 के पास आ रहा है और वीकली चार्ट में 50 EMA 11,200 के पास आ रहा है। तो ये रेजिस्टेंस का जोन है, इस जोन को 11,200 के ऊपर अगर ये कंफर्टेबली सस्टेन करता है तो यहाँ से अपसाइड मूव एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि कल का ये जो स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक है बना हुआ है, ये हमें और भी यहाँ से टुवर्ड साउथ की तरफ यहाँ से मूव हो सकता है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है। तो देखना ये होगा कि अभी ये फिर से ये पास्ट का यहाँ पर जो सपोर्ट टेस्ट किया, ये फिर से सपोर्ट टेस्ट करता है या फिर ये भी ये इसे ब्रेक करता है। तो ये है डेली निफ्टी का वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यह है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो कल का लो बना है अराउंड 10,900, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,870, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,836, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और ब्रेकआउट लेवल के नीचे अगर ओपन होता है तो ये जो फर्स्ट टारगेट है 10,870 इसके नीचे सस्टेन होने दीजिए, डिसीजिव मूव इसके नीचे आने दीजिए, तो ही हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,836। ठीक है, तो ये है शॉर्ट पोजीशन के लिए लेवल्स। और अगर ऊपर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो हाफ एन आवर का ये जो बियरिश कैंडल स्टिक है इसका हाई अगर ब्रेक करता है यानी 10,951 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,990, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा ये 11,019, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भी मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म मूविंग एवरेज एक ही लेवल के पास यहाँ पर क्लब हो रहा है। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।